गुरुजी दीक्षा हेतु क्या लेकर आए, क्या आपके लिए कुर्ता या अंग वस्त्र ला सकते हैं? नहीं, अब ये तुम वो कुर्ता स्वयं पहन लेना, और भी अच्छा लगेगा मुझे और खुशी होगी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत अंबार है, ढेर है, और मेरे मुंह से गिरे निकल गया तो फिर हर आदमी बगल में दबा के कुछ ला रहा होगा, मैं उससे बचना चाहता। वो एक ऐसा भी है कि देखिए, किसी की इच्छा है तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन मैं कहूँगा तो वो बड़ा कष्टकारी नहीं बेचारे का, किसी का ब्यौत है खरीदने का, फिर उसके साथ साथ दिमाग में उसकी आने लगेगा पता नहीं गुरु जी को क्या पसंद है। अब गुरु जी खुश हो जाए तो एक कलावे से, एक जौ के दाने से खुश हो जाए, ना हो तो आप यहाँ कोहिनूर ला के रख दो तो भी ना मुड़ के देखें, तो ये बड़ा ऐसे पागलों का ऐसी दुनिया होती है। तो आप उसमें कष्ट ना रखें, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं, अपने हृदय को लेकर आना। मैं हमेशा बोलता हूँ ध्यान से चीज़ों को करना, प्रेमपूर्ण ढंग से, स्नेहपूर्ण ढंग से, सहयोगात्मक ढंग से, और उस तरह से चीज़ों में शामिल होना, वो बड़ी बात होगी, वो अच्छा रहेगा। और जो सामान्य औपचारिकता नवदीक्षा की हैं वो उसमें लिख दी गई हैं इस बार, वो आप ले आना। उसमें 5 इलायची के दाने हैं, 5 लौंग के दाने हैं, ऐसा करके पूरा क्रम है। आज वो किसी साथी ने डाला है, उसी वही चीज़ लानी होती है, उसको देख लें तो बेहतर होगा। मिठाई भी उसमें लिखे, मिठाई से बचिएगा, मिठाई के नाम पर कुछ ऐसा मीठा कोई किसी का अंश ले लेना, 5 दाने मिश्री के रख देना या कुछ और रख देना, क्योंकि बरसातों के दिन हैं और मिठाई मैं खुद भी नहीं खाता, आपको खाने के लिए ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ। वो पहले परंपरा चल रही थी तो उसमें सूची वहाँ से उन्होंने उठा लिया होगा उसको, वो ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि वो मिठाइयाँ भी बहुत ठीक नहीं बनती हैं और अच्छे सब में मिलावट और सैक्रीन और क्या क्या है, तो ऐसी चीज़ को क्यों फिर आप लाओगे तो कोई खाएगा ही, तो अच्छा है कि उसको हम ना करें। या तो मिठाई फिर हमने स्वयं बनाई हो तो अलग एक बात है, हमें पता तो है भाई हमने बेसन के लड्डू बनाए, आटे के लड्डू, जो भी कुछ बनाया है स्वयं बनाया है, लेकिन बाजार में तो कब का बिक रहा है, कितना बासी है, क्या उसमें पड़ा है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप कम से कम आप कुछ भी नहीं लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप स्वयं आए, ठीक से आए, यहाँ सब व्यवस्था है, परमात्मा की तरफ से सब कुछ है, आपको कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं। Yeah.